देखिए साहब, आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को ऑब्जर्व किया होगा जो बहुत ज़्यादा तेज होते हैं। अगर किसी भी चीज़ को किसी तक समझाने की बात हो या फिर कोई भी चीज़ समझने की बात हो, तो बड़े ही आसानी से वे किसी भी चीज़ को समझ लेते हैं या फिर किसी व्यक्ति को कोई भी चीज़ समझा पाते हैं। एंड ऐसे में आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन क्रिएट होने लगते हैं कि हम ऐसा क्यों नहीं कर पाते। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनका हम इस्तेमाल करें तो बहुत जल्दी हम भी दिमागी रूप से तेज हो पाएं, या फिर यूं कहें तो हम अपने दिमाग को तेज कर पाएं। तो आज की इस वीडियो में मैं 3 ऐसी बातें बताऊंगा जिसका इस्तेमाल करना अगर अभी से आपने शुरू कर दिया तो डेफिनेटली है कि कुछ ही दिनों में आप अपने दिमाग को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर पाएंगे, या फिर यूं कहें तो आप भी अपने दिमाग को तेज कर पाएंगे। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरीके की ज़बरदस्त वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। देखिए साहब, अगर आप अपने दिमाग को तेज करना चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको हमेशा स्वस्थ रहना हो। अब आप स्वस्थ कब रहेंगे? जब आप हेल्दी फूड खाएंगे, जब आप एक्सरसाइज करेंगे, जब आप अपने आप को एक्टिव रखेंगे तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। और जब आप स्वस्थ रहेंगे ना, तो आप अपने सभी कामों को बिल्कुल सिस्टमेटिक तौर पे कर पाएंगे। इसलिए कोशिश हमेशा यही कीजिए कि बिल्कुल अच्छे तरीके के फूड खाइए, अच्छे तरीके से अपने आप को एक्सरसाइज कीजिए, हमेशा एक्टिव रहें और अपने सभी कामों को बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से करें। मैंने कई बार कई लोगों को देखा है कि छोटी छोटी बातों को लेके बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने लगते हैं। जब आप टेंशन लेते हैं ना, तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। इसलिए हर एक छोटी छोटी चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जो भी आपकी ज़िंदगी में छोटी छोटी प्रॉब्लम आती हैं, उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उनका निवारण ढूंढिए, न कि टेंशन लीजिए। जब आप टेंशन लेंगे तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा, लेकिन जब आप किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढेंगे तो इस स्थिति में आपकी दिमागी कसरत बढ़ जाएगी और आपका दिमाग तेजी से काम करना शुरू कर देगा। इसलिए आप छोटी छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और अपने आप को हमेशा स्वस्थ रखिए। जब आप अपने आप को स्वस्थ रखेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम का सलूशन बिल्कुल चुटकियों में आप ढूंढ पाएंगे। दिमाग तेज करने के लिए जो दूसरी चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है वो कुछ इस प्रकार है कि रोज़ नई चीज़ें सीखने की कोशिश करें। अब देखिए साहब, हमारी दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें सीखना हमें बाकी है। अगर आप छोटी छोटी चीज़ों को भी रोज़ सीखते जाते हैं तो आने वाले दिनों में आपके अंदर काफ़ी इम्प्रूवमेंट नज़र आती है। इसलिए ज़रूरी है कि छोटी बड़ी चीज़ों को रोज़ सीखने की कोशिश कीजिए, रोज़ अपने क्वालिटीज़ को इम्प्रूव कीजिए, क्योंकि जितना आप अपने अंदर के क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करेंगे ना, मार्केट में उतनी वैल्यू आपकी बढ़ती जाएगी। अब ये डिपेंड नहीं करता कि आप किसी भी चीज़ को कहाँ से सीखते हैं। आप अपने बड़ों से भी कोई भी चीज़ सीख सकते हैं, बुक्स पढ़ के भी सीख सकते हैं, या फिर आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है तो इंटरनेट पे भी बहुत सारी चीज़ें आप सीख सकते हैं। लेकिन आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि रोज़ कुछ ना कुछ चीज़ों को आपको ज़रूर सीखना है। दिमाग तेज करने के लिए जो तीसरी और आखिरी चीज़ हम आपको बताने जा रहे हैं, उसे ज़रा ध्यान से ज़रूर सुनिएगा। अब देखिए साहब, जो भी चीज़ें आपने अभी तक सीखी हुई हैं या फिर जो भी नई चीज़ें आप सीखने वाले हैं, उसकी प्रैक्टिस करना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आप अपने दिमाग को कसरत नहीं कराते हैं, जब तक आप अपने दिमाग को रीयूज़ नहीं करते हैं, बार बार यूज़ नहीं करते हैं, तब तक आपका दिमाग अच्छे से वर्क नहीं करता। इसके लिए ज़रूरी है कि जो भी चीज़ें अभी तक आपने सीखी हुई है या फिर जो भी चीज़ सीखने वाले हैं, उनकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। एक बार, दो बार, 10 बार 20 बार, जितना बार आपसे हो सके उसकी प्रैक्टिस आप ज़्यादा करें। आपको ABCD क्यों नहीं भूलता? क्योंकि आप बार बार उस चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं, वो चीज़ बार बार आपको यूज़ होता है। तो कोई भी चीज़ आप बार बार यूज़ करेंगे ना, तो वो चीज़ आपको हमेशा आपके दिमाग में फिट रहेगी और इससे आपका दिमाग तेज होता चला जाएगा। ठीक है, तो कोई भी चीज़ नई सीखते हैं, कोई भी चीज़ पुरानी सीखी हुई है, तो उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपकी क्वालिटीज़ इम्प्रूव होती जाएंगी। आशा करते हैं कि हम अपनी बातों को बिल्कुल स्पष्ट तरीके से आप तक रख पाए होंगे।
अगर आपको हमारी बातें पसंद आईं, ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल मोटिवेशन वाले भैया, और लेटेस्ट वीडियोस के लिए बेल आइकॉन ज़रूर ऑन कीजिएगा। इस वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी हम आप पर रखते हैं, इसे हर जगह शेयर कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।